एवरीवन, प्रतियोगिता दर्पण दिल्ली जी के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 प्रश्नों को जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना होता है? तो 1/6 होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। कितना? 1.3 सेकंड का समय लगता है। चौथा प्रश्न है हमारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? जो एक पारसेक होता है वो 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। चलिए चलते हैं छठे प्रश्न पर, तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है? तो जो तारों का विभिन्न रंग है यह उसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन है, महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो महाविस्फोटक सिद्धांत है यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं? तो बृहस्पति ग्रह जो है इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है, और बृहस्पति ग्रह जो है यह सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए चलते हैं नौवें प्रश्न पर, सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? अभी हमने ग्रह की बात की, अब हम बात करते हैं तारामंडल का। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो जो हाइड्रा है यह सबसे बड़ा तारामंडल है। चलिए चलते हैं दसवें प्रश्न पर, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के कितने गुना अधिक है? तो सूर्य का जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास के 109 गुना अधिक है। चलिए चलते हैं ग्यारहवें प्रश्न पर, भारत किस गोलार्ध में अब स्थित है? तो जो इंडिया है यह कौन से हेमस्फीयर में स्थित है? तो भारत जो है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए चलते हैं 12 क्वेश्चन पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है यह विश्व में 7वां स्थान रखता है। कितना? 7वां स्थान रखता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है यह विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो ये है 2.4%। कितना? 2.4%। चलिए चलते हैं आगे, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो जो देशांतर रेखाएं हैं समय की अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। देशांतर रेखाएं जो हैं यह समय की अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। 15वां प्रश्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। 16वां प्रश्न है, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 1/2 कर्क रेखा जो है यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 17वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम 82°30' किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर यह गुजरती है। 18वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT के बीच कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है, 5.5 घंटे का ही अंतर होता है। 19वां प्रश्न है, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। चलिए चलते हैं आगे, 20वां प्रश्न है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है? भारत का एकमात्र जिला कौन सा है
जिसकी सीमा चार राज्यों को स्पर्श करती है। तो जो सोनभद्र जिला है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसकी सीमा जो है वो चार राज्यों को स्पर्श करती है। 21वां प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो 180 किलोमीटर इसकी तटीय लंबाई है। चलिए चलते हैं 22वें प्रश्न पर, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। 23वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। 24वां प्रश्न है, असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो ये 7 प्रदेशों को स्पर्श करती है, केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। 25वां प्रश्न है, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो जो रॉस द्वीप है इसका जो परिवर्तित नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, नील द्वीप का परिवर्तित नाम शहीद द्वीप है और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम स्वराज द्वीप है। तो हमारे आज के सीरीज के 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। आज हमने इस वीडियो में 25 प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।